लीजिए अपने नाम के साथ और क्या कुछ कर चुके हैं आप लोग और थोड़ा सा बताइए उस बारे में। मैं तरुण भल्ला म्यूजिक डायरेक्टर, अपना 84 से इस फील्ड में एज म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और नंबर ऑफ सीरियल्स डीडी के एंड डिफरेंट चैनल्स के एटीएम चैनल वगैरह वगैरह दिए हैं। मेरा प्रेस्टीजियस मेरे जो टीवी सीरियल्स हैं प्राइम टाइम के उनमें मैला आंचल फरनेशुनाथ रेणु का लिखा हुआ है, ऊंचे लोग है, स्पेस सिटी सिग्मा साइंस फिक्शन का है एंड गाया बाया फर्स्ट एनिमेशन सीरियल हिंदी में था डीडी का, काफ़ी हिट रहा वो। उसके बाद मेरी एंट्री 92 में मुंबई बॉलीवुड में हुई और मेरी शुरुआत ही आशा जी, कविता कृष्णामूर्ति, शानू वगैरह इन लोगों से, इन लोगों को लेके मैंने एक फिल्म बनाई थी, ये कैसी दीवानगी। उसके बाद 93 में मैंने पाश म्यूज़िक डायरेक्शन दी पाश फिल्म में, उसमें भी आशा जी वगैरह को गवाया, सनी सुपर साउंड्स में मैंने रिकॉर्डिंग करी और इस तरह से मेरी म्यूज़िक जर्नी चल रही है। और एट प्रेजेंट मैं जोहरा भाई फीचर फिल्म कर रहा हूँ जिसके मैं 3 गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इसको बना रहे हैं उदय सेनापति जो कि इसके डायरेक्टर हैं और 3 गाने अभी हम और करने जा रहे हैं। और इसी बीच मैंने कई सिंगर्स को भी अपना मार्केट में लेकर आया हूँ, जैसे संगीता है और नंबर ऑफ सिंगर्स हैं। अभी डॉक्टर माधुरी, ये पेशे से डॉक्टर हैं बट इनका गाने का जो पैशन है वो उसका जवाब नहीं, तो इनकी वॉइस सुनी मुझे अच्छी लगी तो अभी इनको मैंने गाना इनका रिकॉर्ड किया है फिल्म के लिए, हिंदी फीचर फिल्म है और अभी उसका टाइटल अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, उसमें ये गाना गाने जा रही हैं, अपना गाना रिकॉर्ड कर लिया हमने। सॉरी, बात करें जोहरा भाई की, जो आपने कहा 3 गाने आपने किए, तो किस मूड के गाने हैं ये? जोहरा भाई तो फिल्म एक तवायफ के ऊपर है, लाइक आपने उमराव जान देखी होगी, आपने पाकिजा देखी होगी, एक तवायफ के ऊपर सब्जेक्ट है, तो उसके 3 गाने मैंने अभी रिकॉर्ड किए हैं और 3 गाने अभी और रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। कोई पूछ रहा मूड क्या थे जो 3 गाने रिकॉर्ड किए आपने, उसके मूड? एक गाना एक था उसका मुजरा, वो मैंने रिकॉर्ड किया, एक उसमें आइटम सॉन्ग है वो रिकॉर्ड किया और एक कॉलेज का है, अपना फ्रेंड्स का जो आपस में एक छेड़खानी होती है वो रिकॉर्ड किया है। आज जो रिकॉर्ड हो रहा है, आज कौन सा गाना हो रहा है? आज जो हमारे गाने रिकॉर्ड हुए हैं ये जो मैं अभी, जिसका टाइटल अभी डिस्क्लोज नहीं, जिस फिल्म का, उसके लिए हमने रिकॉर्ड किए, ये टोटली रोमांटिक सॉन्ग है। मैम आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने नाम के साथ। हेलो, आई एम हिंदी में बात करती हूँ, मैं मेरा नाम है डॉक्टर माधुरी कश्यप, मैं पुणे से हूँ और मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मुझे गाने का शौक तो पहले से है लेकिन आपको मालूम है ये प्रोफेशन के वजह से मैं गाना इस कभी ज़्यादा कर नहीं पाई। वैसे बीजे मेडिकल में जो मेरा कॉलेज है वहाँ पे मैंने ऑर्केस्ट्रा में गाया था, उसके बाद बहुत साल बीच में कुछ गाया नहीं। फिर 3-4 साल पहले गाना चालू किया और अब करीबन पिछले 1.5 साल में मैंने पूना में ऑलमोस्ट 40-50 शोज़ किए हुए जो बड़े बड़े थिएटर्स में हुए हैं, यशवंत राव है, बालगंधर्व है, ऐसे बहुत सब सिंगर्स जो पूना के जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, एमेच्योर सिंगर्स हैं, सबके साथ मैंने शोज़ किए हुए हैं और मैंने खुद का बैनर भी लॉन्च किया है, उसको भी 1.5 साल हो गया, उसका नाम म्यूज़िक क्राफ्ट है, तो म्यूज़िक का M और क्राफ्ट का K है नॉट C, तो मेरी इनिशियल्स है माधुरी कश्यप, उनके हिसाब से वो मैंने बनाया बैनर। अंडर दिस बैनर मैंने बहुत शोज़ किए हैं, बहुत सारे सिंगर्स के साथ किए हैं जो गाना चाहते हैं, नए नए सिंगर्स, सो ये ऑनगोइंग है। इसके बीच में मुझे भल्ला जी का किसी ने नाम सजेस्ट कर दिया तो मैंने उनको गाने मेरे भेजे थे, उनको गाने पसंद आए
वो भी चाह रहे थे कि कुछ नए सिंगर के साथ कुछ नए सॉन्ग्स रिकॉर्ड करें, तो हमने मिलकर यहाँ पे इसी स्टूडियो में अभी हमने लास्ट वीक ही दो नए गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं। दोनों बेहतरीन है, उसके लिरिक्स बहुत सुंदर है और भल्ला जी ने जो उसको संगीत दिया है, मैं तो कहूँगी कि ये संगीत आपको जब आप सुनोगे तो आपको दिल आपके आपके दिल को छू जाएगा। आज उसकी फाइनल डबिंग है, तो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बने हैं दोनों गाने और उनमें से दोनों पिक्चर के लिए जाएंगे। एक तो ऑलरेडी पिक्चर के हमने हमारी हुई है जैसे उन्होंने बताया, तो दूसरा पिक्चर दूसरा भी गाना पिक्चर के लिए रिलीज होगा। अभी हम हमारे पास डिटेल्स नहीं है, टाइटल वगैरह क्लियर नहीं है, लेकिन ये हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, मेरे शोज़ अब्रॉड भी हुए हैं प्लान्ड। नेक्स्ट ईयर मैं अमेरिका जा रही हूँ, एक महीने का टूर है, मैं वहाँ पे गाने के लिए जा रही हूँ। आई एम इनवाइटेड टू सिंग ओवर देयर। जैसे सर ने कहा कि तीन गाने हैं फिल्म में, तीनों अलग अलग जॉनर के हैं, तो आपका दो, आपने कहा कि आपके दो गाने हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों जॉनर में गाने का? एक जो गाना है वो आउट एंड आउट रोमांटिक गाना है, बहुत ही बेहतरीन उसके लिरिक्स है, वेरी मेलोडियस है म्यूजिक उसका, और वो जब आप सुनते हो तो बिल्कुल जो नया रोमांस है वैसे थोड़ा सा लगता है उसको, जो जिस जिनको मैंने सुनाया है वो गाना उनको बहुत ही पसंद आया है। दूसरा गाना वो भी रोमांटिक है लेकिन उसमें बहुत चढ़ उतार है, वो उसमें म्यूज़िक अलग किस्म का है और उसका गाने का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सुर नहीं है, बहुत चढ़ उतार है वो गाने में। जैसे आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं और अब जो है सिंगिंग की तरफ आपका रुझान हुआ है, तो ऐसे क्या चीज़ थी जो आपको सिंगिंग की तरफ खींच के लाई, और थोड़ा सा बताइए कि डॉक्टरी से सिंगिंग में आने का सफ़र कैसा रहा, थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर तो हूँ पेशे से एंड आई लव माई प्रोफेशन, वो भी मैं करती हूँ, मेरा हॉस्पिटल है खुद का तो वो भी मेरा चल ही रहा है। शौक था और ऐसा है कि इसके पहले ज़्यादातर सिंगिंग का अवसर नहीं मिलता था क्योंकि ट्रैक्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे इजीली। अभी कैरोके ट्रैक्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी ट्रैक्स है, तो गाना चालू किया और आस्ते आस्ते इसमें इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया। इंटरेस्ट तो था लेकिन उसको साथ भी मिली, म्यूज़िक मिला, बहुत अच्छे लोग मिले, सिंगर्स मिले, तो ऐसे करके आगे आगे बढ़ गई। और अभी ये प्रोफेशनली करने का कारण एक ही है कि जो मेरे फैंस हैं पूना में वो मुझे बार बार कहते रहे कि मैम आप पूना में आपको वेस्ट कर रही हो खुद को, आपको मुंबई जाना चाहिए, इसलिए हम मुंबई तक आ गए और यहाँ पे दो गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं। एंड मैंने कुछ सीखा नहीं है गाना, मैं बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं हूँ। तरुण जी की गाइडेंस में चल रही है। अभी तो तरुण जी ने जो जैसे बोला उनका जो उस गाने का जो उनका जो कंसेप्ट है, यानी कि जिस तरह से उनको चाहिए था उस तरह से मैंने गाया है। सर आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो है बहुत सारे गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं, तो आप